हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी शाम का कितना टाइम हो रहा है? रात हो गया है, 7:30 बज गया है और मैं घर से मतलब आज गई हुई थी मैं पापा के घर, मतलब तो बाड़ी गई हुई थी और वहाँ से लेके आई हूँ मटर। तो दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये टमाटर और मटर लेके आई हुई थी मैं। तो ये देखिए, छोटा वाला मटर फिर से लेके आ गई हूँ, ये छोटा वाला मटर और टमाटर लेके आ गई हूँ। तो देखिए, और आज मैं देखिए इतनी सारी सब्जी, मतलब टमाटर, इतना सारा टमाटर ले आई हूँ और मटर भी, और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी की तरफ से लेके आ गए हैं टमाटर, उनको भी कहीं मिल गया है तो वो भी टमाटर लेके आ गए हैं। ये देखिए, ये और देखिए, हमारे यहाँ टमाटर की बरसात हो गई है, उधर भी और इधर भी। तो आज हमारे यहाँ टमाटर की बरसात, तो हमारे यहाँ भी 2-3 दिन लग रहा है लगातार टमाटर चटनी खाएंगे। और अभी मैं मटर उबाल रही हूँ आप सबको, चलिए दिखाती हूँ। मैंने पहले से ही ना, मैं पहले इसको अच्छे से धो ली और उसके बाद देखिए पानी डाल दी हूँ और उबाल रही हूँ। कपड़ा यहाँ पर इसमें निकाल हटा दी। तो ये देखिए, ये मटर उबाल रही हूँ मैं, और इस तरीके से उबाल के खाने से बहुत अच्छा लगता है। पहली बार उबाल रही हूँ, पर मैं खाई हूँ, पर मैं उबाली कभी नहीं थी, पर मैं आज उबाल रही हूँ पहली बार इस तरीके से। देखिए, पानी डाल दी हूँ और इसको मटर को थोड़ा सा उबालना, और पकी गया लगभग, एक खा के देखते छोटी परी, देखते हैं पका है नहीं पका। नमक उमक तो इसमें डालना तो नहीं रहता है, मीठा है तो इसमें नमक क्या डालना होगा? नमक मैं तो पहली बार खाई थी। इधर परी गरम है, गरम है, और इधर से आ जाओ। बाथरूम का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? पक गया, बंद कर दो गैस। तो देखिए, पक गया है मटर, बोल रही है परी, क्योंकि ये तो इतना कच्चा है, मतलब इतना अभी 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 का है फल ना, ताज़ा है, तो ज़्यादा टाइम उबालने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत ही पक जाता है। तो देखिए, कुछ टाइम पहले ही मैं डाली थी और मस्त अच्छे से उबल गया है, और गैस बंद करेंगे उसके बाद मटर खाएंगे हम लोग। तो अभी चलिए, मैं गैस बंद कर देती हूँ और उसके बाद अभी इसको ठंडा करूँगी। वो वाला जो ये वाला है ना परी, ये बैर वाला, हाँ, उसको बैर को अलग में करना, तब तो चिल्को छानेंगे। अच्छा, इसमें छान सकते हैं। तो देखिए, ये मैं पहले और गई थी बीच में ना, तब लेके आई थी, पर ये सूख गया हल्का, इसलिए इसको उबाली नहीं, पर इसका सब्जी बनाएंगे हम लोग। इसको ना किसी बर्तन में रख दे परी, परी अच्छा लग रहा है, इसको बर्तन में रख ना, उसको छानेंगे। ताज़ा ताज़ा है ना, तो परी बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ताज़ा भी है तो बहुत अच्छा लग ही रहा होगा। तो इसको धो लेना थोड़ा सा, और इधर मैं कपड़ा धो धो के सुखाई हूँ किचन वाला। ये अब इसको छान लेते हैं, और परी इधर बैर धो रही है, परी का फेवरेट बैर। पर इसको पकड़ना थोड़ा, बर्तन को सुन चल तो कोई नीचे नीचे नीचे, हाँ चलेगा, रख देना। तो ये मम्मी, मेरा हाथ मेरा भी जल जा रहा है, एक हाथ में कर रही हूँ और इधर मोबाइल पकड़ी हूँ ना, इसकी वजह से। रुक जा, गर्म है भरी, भाप के वजह से ना हाथ में जल रहा है। मैं तुरंत जैसे उतारी और उसके बाद जैसे ना ऐसे पलट रही हूँ ना, तो उसका भाप की वजह से ना मेरा हाथ में चल रहा था। तेरे को नहीं जला क्या? छोड़ दी, ज़्यादा पक गया क्या? और ये देखिए, मटर उबल गया, कितना टेस्टी दिख रहा है ना, ये हरा भरा है ना, हरा हरा। तो अभी मटर को मैं ठंडा होने देती हूँ और उसके बाद खाएंगे, और चलती हूँ मैं उधर। और परी इधर टीवी, अब तेरा कल परसों पेपर है ना, संडे है कल,
तो संडे के बाद मंडे को पेपर है पढ़ने का। तो अभी कुछ टाइम में मिलती हूँ, तो इसी तरह ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तब तक के लिए टाइम के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ। तो अभी चलिए, मटर ठंडा हो गया होगा तो अभी खा लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा इधर रखी है, तो ये देखिए ठंडा हो गया मटर, तो अभी खा लेते हैं। और काव्यांश तो सो रहा है, ये देखिए इधर इधर काव्यांश सो गया है, वहाँ से आए हैं बाड़ी से होके तो तुरंत आते के साथ वहाँ बहुत ज़्यादा खेला तो थक गया था तो सो गया। और इधर परी टीवी देख रही है अभी, ट्यूशन चाहिए तो कुछ टाइम के लिए अभी देखने दे रही हूँ, फिर पढ़ने के लिए बैठेगी। कल वैसे छुट्टी है ना, इसलिए थोड़ा सा देख रही हूँ और सीरियल देख रही हूँ। चलिए देखी, चलेगा आ खाने मटर, नीचे चटाई भी छाना बैठ खाएंगे। और इधर का लाइट ऑन करना पड़ी, थोड़ा सा रोशनी नहीं है। ये दरवाजा को बंद कर दे, मच्छर घुस गए। ये वाला बंद था पर आज ज़्यादा आता है, काफ़ी रात हो गया है। और परी तो अच्छा, और उसके पापा ना बैर भी ले आए हैं साथ में। बैर पहले लाए थे उसको ख़त्म कर लिए हैं, थोड़ा ही बहुत बचा हुआ था टोकरी में, और इधर फिर से ले आ दिए हैं। मतलब फील्ड में ना गए थे ना तो मिल गया होगा ना उधर, तो वहीं से ले आए थे टमाटर और ये बैर। तो इधर परी बैर खा रही है, चला जा मटर खाने है ना, इतना ही खा रहा शाम को मत खाओ इतना परी। तो अभी हम लोग खा लेते हैं ये। तो इसी के साथ ही आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है ना आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।